पहली जो फोकस है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जिसको टी आई का नाम लेबर पॉलिसी में दिया गया है केपीके के की लेबर पॉलिसी ये बता रही है कि करंटली कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केपीके के में मौजूद नहीं है द पॉलिसी सजेस्ट इन दिस रिगार्ड दैट स्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मस्ट बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल और यह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है इसका पैटर्न वही होना चाहिए जो कि सिंध गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है उस पर सिंध गवर्नमेंट में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है डायरेक्टोरेट ऑफ लेबर को ट्रेन करने के लिए उसका नाम है नीलैट एन आई एल ए टी और जो पंजाब में है उसका नाम है आई आर आई ये जो इंस्टीट्यूट क्रिएट करना चाह रही है केपी के गवर्नमेंट उसका पर्पस है कि ट्रेन किया जाए इंस्पेक्टिंग स्टाफ को सोशल पार्टनर्स को और ट्रेनिंग उनको दी जाए लेबर लॉज के मुतलक लेबर एडमिनिस्ट्रेशन के मुतल लेबर की हेल्थ एंड सिक्योरिटी के मतलब और इंडस्ट्रियल रिलेशन के मुत तो पहला जो फोकस है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के ज़िमन में के पी के की जो लेबर पॉलिसी है उसमें वो ये है कि इस्टेब्लिश किया जाए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैपेसिटी बिल्डिंग से मुतल लेबर पॉलिसी में यह बात की जा रही है कि एट प्रेजेंट जो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ है और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनके पास कोई फैसिलिटी ऑफ ट्रेनिंग नहीं है कोई फैसिलिटी ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोविंस में नहीं है और कहा यह जा रहा है कि विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैपेसिटी डेवलपमेंट इंस्पेक्टिंग स्टाफ की बढ़ेगी और उन्हें इक्विप किया जाएगा विद मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इंस्पेक्शन मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कॉन्सिलिएशन एंड सोशल डायलॉग एंड निगोसिएशन सेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग से ही मुतल जो दूसरी बात है वो ये है कि ओरिएंटेशन ऑफ सोशल पार्टनर्स होनी चाहिए ऑन लेबर लॉज के ऊपर पॉलिसीज के ऊपर आईएलएस सिस्टम्स के ऊपर एंड लेबर प्रैक्टिसेस के ऊपर जिससे क्या होगा के फैसिलिटेशन होगी सोशल पीस कायम करने में माय डियर स्टूडेंट्स लेबर पॉलिसी के बीके के सजेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ सोशल पार्टनर्स एट द प्रोविंशियल एज वेल एज द प्लांट लेवल विद रिगार्ड टू द लेबर लॉज लेबर एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी एंड हेल्थ इशूज ऑफ द लेबरर्स इन द इंडस्ट्री इन सारे पर्पजेज के लिए केपी के की लेबर पॉलिसी यह कहती है वर्कर्स एजुकेशन विंग ऑफ द केपी के डायरेक्टोरेट ऑफ लेबर विल प्रपेयर मैनुअल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड कैपैसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंप्लायज एंड वर्कर्स इन दिस रिगार्ड ऑन द रेगुलर बेसिस विद रिगार्ड माई डियर स्टूडेंट चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर यूनिट यह कहा जा रहा है कि चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर यूनिट जिसको सी एंड BLU कहा जा रहा है विल बी स्ट्रेंथंड टू एक्ट एज सेक्रेटेरिएट ऑफ पी टी सी सी एंड प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन चाइल्ड लेबर फर्दर मोर जो सी एंड बी एल यू है इसको मैंडेट दिया जाएगा कि वो कोऑर्डिनेट करे एफर्ट्स टू एलिमिनेट चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर इन द प्रोविंस कहा यह जा रहा है कि ये जो यूनिट है ये प्रमोट करेगा फेसिलिटेट करेगा रिसर्च स्टडीज को जो कि चाइल्ड और फोर्स लेबर से मुतलका होंगी माई डर स्टूडेंट्स मोर ओवर ये जो सी एंड बी एल यू यूनिट है विल बी असाइंड स्पेसिफिक रोल टू प्ले अंडर द केपी के चाइल्ड लेबर पॉलिसी कि इस यूनिट को केपी के की चाइल्ड लेबर पॉलिसी में एक स्पेसिफिक रोल असाइन किया जाएगा ताकि मुल्क में से खासतौर पर केपी के प्रोविंस में से चाइल्ड लेबर को रेडिकेट किया जाए बॉन्डेड लेबर को रेडिकेट किया जा सके केपीके की लेबर पॉलिसी इस टॉपिक के जमन में यह कहती है कि इनिशिएट की जाए लेबर रिसर्च ऑन लेबर इशूज और मुख्तलिफ डायमेंशन ऑफ लेबर फोर्स के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर फोर्स को डिटर्मिन किया जाए चाइल्ड लेबर को डिटर्मिन किया जाए और इनके ऊपर रिसर्च की जाए लेबर इंस्पेक्शन को मजबूत किया जाए लेबर लॉज पॉलिसीज वेजेस और दूसरे इश्यूज़ के ऊपर भी जो प्रॉपर रिसर्च है वो कंडक्ट की जाए ये जो रिसर्च ओरिएंटेशन का काम है ये केपीके की लेबर पॉलिसी में बताया जा रहा है कि लेबर रिसर्च जो है वो फोकस करेगी ऑन वेरियस ट्रेंड्स इन द लेबर मार्किट एंड एवर चेंजिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड द फाइंडिंग्स विद दिस रिगार्ड विल बी शेयर्ड or to the public hope you have understood the topic thank you very much indeed